इसी तरीके से आप जानवर ले आए तो उसके चारा पानी का ध्यान के साथ साथ ये भी याद रखें कि उससे किसी किस्म का नफ़ा नहीं उठाएंगे। जैसे अभी एक तो इशारा मैंने किया कि ऊँट पर बैठ गए जी, ऊँट की सवारियाँ कर रहे हैं, अल्लाह ना करे कोई यूँ करे कि चलो जी मोहल्ले के बच्चों से लाओ भी 5-5 रुपये लाओ, 10-10 रुपये लाओ, तुम्हें एक चक्कर लगा देता हूँ गली का। तो कुर्बानी के जानवर से कुछ कमाने की कोशिश करना ये शदीद नाजायज़ है। अगर किसी ने ऐसा किया है तो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करे और जितना पैसा उसने हासिल किया उतना पैसा सदका करना वाजिब होगा। इसी तरीके से बाद अवकात गाय होती हैं वो मतलब दूध देने वाली होती हैं, ले आते हैं बाद में पता चलता है तो कुछ लोग उसका दूध निकाल लेते हैं या बकरी का दूध निकाल लेते हैं और कहते हैं चलो चाय वाय बना लेंगे इसकी। तो अगर बाद अवकात ऐसा होता है कि थनों में दूध बाकी रहे तो इससे गाय को, भैंस को या बकरी को अजियत होती है, तो वो दूध निकाल लेने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उससे इंतफा यानी जाती नफ़ा उठाना शरान मना है। ना बेच सकते हैं ना खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि किसी गरीब को सदका कर दें तो यह इसका बेहतरीन तरीका हो। तो आप ही खिदमत में जिक्र कर रहे थे कि जानवर लाएं तो उससे किसी भी किस्म का नफ़ा उठाना शरान जायज़ नहीं होता है। लिहाजा अगर आप घर लाए, उसका दूध निकाल लिया, ऊन वगैरह निकाल ली या सवारी वगैरह की, उससे अगर कीमत में कमी आती है तो उतनी कीमत सदका करना लाजिम होगा। मुख्तसर सा ब्रेक ले